और बाहर का क्या नज़ारा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिधर आपकी नज़र जा रही होगी, ये देखिए मैं जूम करता हूँ, आपको चारों तरफ बर्फ़ ही नज़र आ रही होगी। कोई ऐसा पेड़ नहीं जिस पे बर्फ़ ना हो, और कोई ऐसी, ये पेड़ देख रहे हैं, और पेड़ के साथ साथ कोई ऐसी हट नहीं जिस पे बर्फ़ ना हो, ये देखिए। और सामने पहाड़ी पे एक पहाड़ है, वो दिख रहा होगा आपको, वो भी बर्फ़ से ढका हुआ है। और बर्फ़ का आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये देखकर कि यहाँ देखिए, ये एंटर है हमारा, एंट्रेंस पे कितनी सारी बर्फ़ है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गली सी जो बनी हुई है, यहाँ से हम अभी आएँ। बाकी रही गाड़ी की तरफ की बात, अभी गाड़ी भी चेक कराता हूँ मैं आपको। और गाड़ी दिख रही होगी वो आपको, एक ब्लैक सी गाड़ी दिख रही है, उसके पास हल्की सी देखो नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई, कोना दिख रहा है हल्का सा। जो भाई समझदार होंगे वो जल्दी देख लेंगे, और जो समझदार भी उनसे भी ज़्यादा होंगे वो और भी जल्दी देख लेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, मेरी हाइट से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो, ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी खो जाएगी बर्फ़ में, किधर चली गई नहीं पता चलता। और मेरी हाइट देखकर भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ कितनी है। ये है गुलमर्ग, जो कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और यहाँ गाड़ी जो आती है, आप नीचे से देख रहे होंगे, प्रेशर बना के लाना पड़ता है। जैसे वो सामने से एक गाड़ी आ रही है, अगर उस गाड़ी ने यहाँ बीच में ब्रेक लगा दी है तो वो दोबारा नहीं आ पाएगी, उसको तो वापस नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए। और ऐसे ही हमने भी, हमारी गाड़ी है हमने नीचे खड़ी करी है, क्योंकि हमने तो ऊपर हट ली है, हट के अंदर हमारी गाड़ी नहीं जा पाई थी, तो हमने गाड़ी नीचे खड़ी करी है। वो किस कंडीशन में गाड़ी आई है मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। और ये जैसे कि आप रास्ता देख रहे हो, और वो सामने के ऊपर कितने सारे उन्होंने, मतलब पेड़ देख रहे हो, और पेड़ के ऊपर कितनी बर्फ़ है ये नज़र आ रही होगी आपको। वो जो सामने की तरफ पेड़ है उन पे कितनी बर्फ़ है। जैसे कि आपने देखा, हम एक चौक पर आ चुके हैं, और आपको हमारी गाड़ी दिख रही होगी वहाँ उस जगह पर, और गाड़ी के लेबल के साइड, लेबल देख लो, गाड़ी के लेबल में ही बर्फ़ है वहाँ पर भी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो गाड़ी आई है वो ये चेन बांधकर गाड़ी लाई गई है, और ये जो चेन है ये मैंने घर पर खुद ही बनाई थी, काफ़ी मेहनत करके। और जैसे कि आप देख रहे हैं, साइड में आपको टायर नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एक टायर पड़ा था, ये उसके ऊपर लगा कर ये चैन मैंने घर मैन्युफैक्चर करी है। और पीछे भी आप देख रहे हैं, इतनी बर्फ़ है कि आपको बिल्कुल भी जगह नज़र नहीं आ रही होगी टायर और उसके बीच में। और आज रात को ये गाड़ी यहीं रहने वाली है, और आज रात को ये गाड़ी यहीं रहने वाली है। और गाड़ी के साथ साथ आपको नज़र आ ही रहा होगा पीछे गाड़ी के लेबल में भी कि कितनी बर्फ़ है यहाँ पर। मैं इसको धीरे धीरे पीछे करता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। हम इस गाड़ी को एक सुरक्षित स्थान पर लगा रहे हैं ताकि किसी गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो निकलने में। देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसको सेफ खड़ी कर दी है, और सेफ के साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बर्फ़ की हाइट। देख लीजिए कितनी हाइट है, कि हमारी गाड़ी से भी ऊपर हाइट है। ये जो हमारी, अभी तक हमने काफ़ी सारी ट्रिप मारी हैं, मगर ये पहली ऐसी ट्रिप रहने वाली है हमारी जिसमें कि हमें 5 फुट बर्फ़ मिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 5 फुट बर्फ़ मिल रही है। चलिए आगे जैसे जैसे मैं शूट करता हूँ वैसे आपको बताता हूँ। हम 4 दोस्त दिल्ली से आए हैं, दो इधर हैं और दो घर पे यानी कि हमारे हट में जो है खाना बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमने खाना बनाया है मटर पनीर, आप देखिए, देख सकते हैं ये बर्फ़ मेरे से भी शायद थोड़ी ऊपर ही होगी और यहाँ पे सर्दी बहुत है, मुँह से धुआं ही निकल रहा है। नज़ारा खूबसूरत, पेड़ों पे बर्फ़, खाली बर्फ और खुला आसमान। ये देखिए मैं पेड़ों की बर्फ ये रही सामने, मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ एक भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसके ऊपर बर्फ ना हो, हर किसी पेड़ पे इतनी बर्फ है तादाद से ज़्यादा। ये हमारी हट की ओर जाने का रास्ता, नाकी बराबर रास्ता है, दिख रहा होगा आपको। फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो फर्श पे भी बर्फ जम चुकी है, ऐसे पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है और पकड़ पकड़ के चलने के बाद मैं इधर आया हूँ रसोई में। तो ये फ्राई पैन है, इसके अंदर भी बर्फ जम गई थी। फ्राई पैन की तो छोड़ो, मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं उनके अंदर भी आपको बर्फ दिख रही होगी, ये देखो। और जैसे ही ये बर्फ दिखने के साथ साथ जैसे कि आप प्लेट देख रहे हैं, ये रात को धोने के लिए प्लेट रखी थी, इसके अंदर भी बर्फ जम गई, इसमें हमने रात को खाना खाया था। इसकी तो छोड़ो, यहाँ आया हूँ मैं इसको फ्राई पैन को साफ करने के लिए, तो इसको उठा रहा हूँ। ये देखो, ये भी, ये मुड़ भी नहीं रहा, ये भी एकदम बर्फ का बन चुका है। चलिए कोशिश करते हैं इसको धोने की। लो, साबुन में से भी कितनी बर्फ निकल रही है, ये देखो। मैंने इसको इतना धो दिया, उसके हाथ भी टेढ़ा नहीं हो रहा है, देखो। तेरी हाथ जम गया। ये देखो फ्राई पैन हमारा हो गया साफ। अब इसकी बनानी है मैं सुबह नाश्ता ऑमलेट। चले सर, पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा, फर्श इतना चिकना हो रहा है यहाँ पे। देखो, मैं ये दिखा देता हूँ, ये रही बर्फ, ये रही, ये देखो, ये नहीं बर्फ, अगर आज दिख रही होगी तो। और ये अंदर आते हुए ये हमारे सर है जिनकी वजह से हमें बढ़िया खाना खाने के लिए मिला। चाय बन रही है, ये देखिए, इन सर की वजह से हमें कल बढ़िया गरम खाने के लिए मिला। और गरम के साथ साथ आज ये मटन बनाने वाले, जो कि यहाँ पे 450 केजी मिल रहा है ना सर? हाँ, 450 केजी मिल रहा है, 450 केजी मिल रहा है। और इनके हाथ का मटन जबरदस्त बनता है, आज हम उसी का लुफ्त उठाने वाले हैं। और बाहर का नज़ारे वाली बात करें तो चलिए मैं बाहर का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। सुबह की चाय यहाँ पीते हुए, चुस्के लेते हुए काफ़ी रोमांचक स्थिति हो चुकी है यहाँ पर। -10-12 आप आपको पूरी जगह बर्फ। ये देखिए बाहर का नज़ारा, ये देखिए बाहर का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो कि हमारी फर्स्ट नाइट के बाद ये नज़ारा है यहाँ पे। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख के आसपास, 21 तारीख के आसपास यहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है। अभी धूप आ चुकी है तो थोड़ा राहत है, ठंड के अंदर थोड़ी राहत मिल रही है। अभी आप देखेंगे सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। जिधर आपकी नजर जाएगी उधर आपको बर्फ के अलावा सड़क तो दिखेगी नहीं सकती। मैं चांदवा सिद्धगी सुबह 4 बजे यहीं खड़ा हूँ, इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है कि आपको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं नई कंट्री में आ गए हैं। साउथ इंडियन लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं सुबह मॉर्निंग में और चाय का सिप लेते हुए, चाय हम आपके सामने शेयर करते हुए काफी देखिए हाँ ये इतनी बर्फ है जी और मैं चाय पी रहा हूँ, वो भी देखो देखो मेरी हिम्मत देखिए बर्फ पे खड़े होके ये देखिए इसे कहते हैं ताकत, जो रात को हमने वो आमलेट खाई है उसकी ताकत है। जैसे कि अब मैंने बताया था ये हमारे तीसरे साथी हैं, इनकी मंडी में आड़त है आज़ादपुर मंडी में, और ये भी हमारे साथ इस बार टूर पर आए हुए हैं। सर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा भाई जी। और नज़ारा कैसा है बर्फ़ का? नज़ारा बस जन्नत के नज़ारे आ रहे हैं। और इससे पहले कभी आपने इस टाइप की बर्फ़ देखी थी? नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोगों का शुक्रिया है जो मुझे ऐसी जगह पर लेकर आए। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल आएँगे। चलिए थैंक यू सर। और वैसे थोड़ा सा और अभी अब मैं आपको और भी घुमाता हूँ यहाँ के जो मेन पॉइंट है। अच्छा, मैं जगह जगह आपको घुमाता हूँ और आपको वहाँ जाके शूट भी करूँगा। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे सूरज इतना पास आ चुका है कि आंखों से देखना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बिना चश्मे के तो हम देख भी नहीं सकते। और रही ये वाली बात, जैसे कि आपको ये व्यू नज़र आ रहा होगा, आपकी जिधर भी आप कैमरा देख रहे होंगे, कैमरे की नज़र से जो भी आप देख रहे होंगे आपको बर्फ़ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ जो ये गंडोला चल रहा है हमारे साथ में, जैसे कि ये गंडोला अभी आया है, इसकी टिकट नीचे से मिलती है, ये आपको 5 मिनट में ऊपर ले आता है। मगर हमने इंजॉय करने के लिए हम गंडोले में नहीं आए, हम आए पैदल चल के। हम इंजॉय करते हुए पैदल चलकर आए, हमने गंडोले का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम हर साल अपने आप को चेक कर लेते हैं कि हमारे अंदर कितनी पावर बची है, हम मतलब थक जाते हैं या नहीं थकते। तकरीबन 5 किलोमीटर की वो चढ़ाई थी जो हमने चढ़ी है बड़ी मुश्किल से। मगर अब आगे एक बार नीचे का व्यू और देख लें आप कि वो जो सामने आपको वो छोटी छोटी सी हट नज़र आ रही होगी, ये देखो, इसके आगे हम जा नहीं सकते। और वो जो आपको सामने छोटी छोटी सी हट नज़र आ रही होंगी, हम वहीं से चल कर आए, छोटी छोटी सी हट वो रही, और ये व्यू है यहाँ का। और हमारे साथ हैं ये मिस्टर रोहित, ये हमारे साथ हैं ग्रुप में, और ग्रुप के साथ हमारे साथ एक मेंबर हो रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा खाना भी बना लेते हैं वो हमारे लिए, और दिल्ली के अंदर उनकी आज़ादपुर में आड़त है। जैसे कि आप देख रहे हो इस डंडे की हाइट कितनी है इस टाइम, लगभग मैं 5.5 फुट हूँ, और ये 5.5 फुट के हिसाब से लगा लीजिए तकरीबन 9 फुट के आसपास ये डंडा है। और यहाँ पर कितनी बर्फ़ है मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। इस डंडे को मैं बर्फ़ में डालूंगा और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितनी बर्फ़ है। ये देखिए, ये मैंने उठाया, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ इतनी बर्फ है, ये सिर्फ इतना बड़ा है। तकरीबन नाना करते हुए भी यहाँ पे तकरीबन 8 फुट के आसपास बर्फ है। और ऐसे ही मज़े लुफ्त उठाने के लिए अगर आप भी आना चाहते हैं तो गुलमर्ग आइए। भाइयों जैसे कि आप देख रहे हो आज हमारे लिए डिश बन रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा गोश्त चिकन, सोचा था यहाँ मटन मिल जाएगा मगर मटन की बहुत कोशिश करी, यहाँ मटन तो मिला नहीं, तो इसलिए फ़िलहाल ये लिया है। जब नीचे हम वहाँ उतरेंगे, श्रीनगर में हम उतरेंगे, वहाँ कोशिश करेंगे एक बार दोबारा से मीट बनाने की, वहाँ पे मिलेगा हमें शायद मटन मिलेगा। और मटन के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिस्टर रोहित जी तैयारी कर रहे हैं अपने खाने की, ये भट्टी के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है, और ये बनियान पहने हुए। और जैसे इसके आगे का शूट कोई होता है या कैसे बनता है मैं आपको कंटिन्यू ऐसे ही रखूंगा। मैंने आपको बताया था कि आगे का प्रोसीजर है समीर भाई ऐसे। हाँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो ये रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो इधर हमारा मसाला भुन रहा है, और ये जो मसाला भुन रहा है, और ये इस मीट तैयार रखा है, और मीट के नीचे जो लकड़ियाँ रखी हैं वो भट्टी में डलती रहती हैं जिससे कि कमरा गर्म रहे। और ये हमारे उस्ताद जी हैं जो आज़ादपुर मंडी से हैं, तो ये टेस्टी मीट बना रहे हैं। और बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कैसे ये जटाएँ, ये देखो एक कम से कम नाना करते हुए भी ये कितनी लंबी है, ये तकरीबन 2 मीटर के आसपास की है। पानी की लटकी हुई है और बाहर का नज़ारा ये है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर, इन सबके साथ सबको अपना अपना एक शौक़ होता है। मुझे ड्राइविंग का शौक़ है, मैं इन्हें ड्राइव करते करते दिल्ली से गुलमर्ग ले आया। अब हम कल नीचे श्रीनगर रुकने वाले, श्रीनगर के बाद हमने सोचा है आगे की अगर हमारा प्लान बना तो हम जाने वाले हैं पहलगाम। वहाँ का जो भी नज़ारा होगा मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको लाइव दिखाऊँ। फ़िलहाल ये मीट बनने की तैयारी हो रही है और ये जैसे ही तैयार हो जाता है उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि इसके ऊपर कैसी रौनक आई और कैसा कलर आया। चलिए आप थोड़ी देर तक इसी तरह वीडियो पे बने रहें। ये देखिए मीट हो गया हमारा बनके एकदम फर्स्ट क्लास। और ये हमने धीरे धीरे पहले तो इस पे बनाया था सिलेंडर पे, फिर हमने दम में आने के लिए इसके ऊपर रख दिया। अंगीठी आप देख ही रहे, इसके अंदर इधर से लकड़ी उठा लेते हैं। ये जो लकड़ी आप देख रहे हो ये लकड़ी उठा के हम इसमें डाल देते हैं। देखिए यहाँ नलकों में पानी जम चुका है और टेम्परेचर -15 हो चुका है और हमें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है चाय के लिए, और उसके लिए हम बर्फ़ लेके जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। ये देखिए ये हमने बर्फ़ घाली और अब इसको हम गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा पानी बन जाएगा फिर हम चाय बनाएंगे। अब बुरा हाल है यहाँ से, ठीक है अब यहाँ से निकलना ही हमारा सही है क्योंकि आगे बता रहे हैं कि मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है। अच्छा तो भाई जी मैं ये बर्फ़ लेके जा रहा हूँ चाय के लिए। ठीक जलाओ यार, अरे था मैं तो। ये देखिए अब ये गैस जला लिया हमने और ये चाय के लिए इस पर ये रख चुके हैं। अब ये धीरे धीरे इसका पानी बनेगा फिर जाके हम इसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक और दूध गेर के चाय बनाएंगे। हाँ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे पानी बन रहा है इसका। ये देखिए पानी बन रहा है, ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी सर ने जो दिखाया हमें, ये सर हमारे साथ दिल्ली से आए हुए, आज़ादपुर मंडी में इनका काम है और इन्होंने हमें इतना टेस्टी यहाँ पर खाना बनाकर खिलाया है। ये कुक नहीं है, ये इनका सिर्फ एक शौक़ है खाना बनाने का। तो इनका जो शौक़ है वो आज हमने भी देखा, काफ़ी टेस्टी खाना बनाते। कल इन्होंने चिकन बनाया था वो भी काफ़ी टेस्टी था और ये अब हमें चाय बनाकर पिला रहे हैं। और चाय जो पिला रहे हैं ये हमें बाहर से जो बर्फ़ गिरी हुई है पिघलाकर चाय पिलाएंगे। और मैं आपको बर्फ़ की कंडीशन जो है वो दिखा देता हूँ कि इस टाइम आप कंडीशन देख रहे होंगे बर्फ़ की। ये जटाई सी ये देखिए ये लटक रही हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक बूंद पानी गिर गिर के कहाँ तक पहुँच जाए। ये तकरीबन 2 मीटर के आसपास की ये जटाएँ बन गई हैं। चलिए फिर वीडियो आगे जैसे कंटिन्यू करता हूँ मैं। कहीं अगर हम इसके बाद अब नीचे निकल रहे हैं श्रीनगर, श्रीनगर में हम कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं मैं वीडियो वहाँ कंटिन्यू आपको बनाकर दिखाता रहूँगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस हट में ठहरे थे। और ये जो हट है ये गुलमर्ग में बाहर से कैसी दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है वो आप व्यू देख लीजिए। ये हट किस टाइप की है और हट के ऊपर आपको इस टाइम बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। और बर्फ के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं हट नंबर भी चेक कर लीजिए, ये गवर्नमेंट हट है, हट नंबर है हमारा 503। चलिए भाई धीरे धीरे अंदर एंट्री कर लेते हैं। और जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री में भी आपको बर्फ गिरी हुई दिख रही है। और बर्फ गिरने के साथ साथ अंदर हम कहाँ ठहरे थे, किस टाइप का बेड था, किस टाइप के गद्दे थे मैं वो चेक कराता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी बैठक थी, ये बैठक थी और इधर इसमें डाइनिंग टेबल भी दी गई है जो कि वो साइड में रखी हुई है। और ये सर भी हमारे साथ हैं। और ये जो आप भट्टी देख रहे हैं इसी की वजह से, ये जो आप बुखारी देख रहे हैं इसी बुखारी की वजह से यहाँ पर ठंड महसूस हमें नहीं हुई। नहीं तो अभी जैसे आपने बाहर के हालात देखे कितनी बर्फ जमी हुई है, तकरीबन है 5 फुट के आसपास, उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंड रहने वाली थी। चलिए इसी तरह मैं आपको बेडरूम चेक करा देता हूँ। जो बेडरूम हमें मिला था यहाँ पर जिसमें हमने रात गुजारी है बेडरूम में, देखो किसने अंदर खा रहे हैं। और ये मैं लॉक खोल रहा हूँ इसका और ये मैंने एंट्री करी। और एंट्री करने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने फुल इंतजामात के साथ एक हीटर भी रखा हुआ है हीटर रखने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं बेडरूम तकरीबन हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें कि हम ठहरे हुए थे। और एक खास बात मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक होता है, इससे हम रात को हमारी बॉडी जितनी मर्जी ठंडी हो इसको 15 मिनट पहले ऑन कर दो, इसके अंदर हम जब जाएंगे लेटने के लिए तो ये फुल हमें ऐसा मिलता है जैसे फुल गर्म हो चुका है, काफ़ी अच्छा है। और साथ में ये आप देख रहे हैं अगर हमारे पास कुछ सामान वगैरह या कुछ है तो हम उसको इजीली यहाँ पर उसको सामान को रख सकते हैं। और रखने के साथ साथ इसमें अभी फ़िलहाल कंबल वगैरह रखे हुए। और अगर आप घर से खाना लाएँ या आप बनाना जानते हैं तो आपको उसके लिए भी एक सुविधा दी गई है, उसके लिए दी गई है आपको रसोई। वो रसोई कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रसोई के अंदर सारा कुछ है, यहाँ गैस चूल्हा है और जैसे कि ये यहाँ पर बर्तन भी रखे हुए हैं, ये बर्तन भी हैं यहाँ पर, ये बर्तन देख सकते हैं आप। और बर्तन के साथ साथ जैसे कि यहाँ देख रहे हैं प्लेटें वगैरह रखी हुई है, पानी का जग रखा हुआ है और आरओ भी लगा हुआ है, ऐसे कोई नकली नहीं है। सरकारी हटें मगर ये कि काम इन्होंने पूरा परफेक्ट किया हुआ है। अब आइए मैं आपको बैठक में लेके चलता हूँ वापस। अब जैसे कि मैं आपको बैठक में वापस दोबारा से लेकर आया हूँ। अब हमारी तैयारी है यहाँ से नीचे उतरने की, श्रीनगर हम जा रहे हैं। आज का हमारा जो सारा दिन रहेगा वो श्रीनगर में घूमने फिरते हुए हम उसको बिताएंगे। कल कोशिश करेंगे हम आज रात को वहाँ रुकने के बाद मॉर्निंग में जो उठेंगे तो हम कल सुबह कोशिश करेंगे पहलगाम जाने के लिए, अगर वहाँ के रास्ते खुले हुए तो। और पहलगाम के बाद फिर हम पंजाब होते हुए सीधा निकलेंगे दिल्ली की ओर। आप वीडियो पर इसी तरह बने रहें और मैं आपको ताकि पूरी वीडियो बनाकर दिखा सकूँ। जैसे कि आपको मैंने पिछली बार भी अपनी काफी वीडियो में -3 टेम्परेचर दिखाया था और आज मैं आपको फिर लाइव दिखा रहा हूँ। बाहर का नज़ारा जैसे देख सकते हैं, बर्फ है। और ये मेरी गाड़ी डिजायर है और -7 इसमें दिखा रखा है। -7 ये तब दिखा रहा है, जैसे मैं आपको इधर भी चेक कर रहा हूँ, देखो ये मैंने हीटिंग ऑन कर रखी है, 1 पे चल रहा है, हीटिंग ऑन है, उसके बाद भी ये -7 दिखा रहा है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और हजरत बल जो दरगाह है वहाँ पर हम आ चुके हैं, हजरत बल पर। और ये जो दरगाह के साथ में डल लेक है ये पूरा का पूरा आइस से जम चुका है। और ये आपको देखो बड़ी बड़ी आइस, मैंने बैठ के देखा था कि यहाँ पर आइस है या नहीं है। और ये जितने भी आपको यहाँ पर पहाड़ दिख रहे होंगे ये सारे के सारे पहाड़ आपको बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे होंगे लगभग। और उसके साथ साथ जैसे कि ये देखो हमारे सर है, जाइए मैं दोबारा से आपको बर्फ डाल के दिखा रहा हूँ कि ये बर्फ अंदर जाएगी या नहीं। ये दूर तक ऐसे ही चली जाती है, जैसे कि मैंने उसको जमीन पे फेंका है मगर वो एक्चुअली जम चुकी है। और ये हमारे सर है, हमारे साथ है, जो कि खाना बनाने में एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ अगर आपका भी यही टूर बन रहा हो तो ये साथ लेकर जाए। ये हम निकल रहे हैं नीचे की ओर, बाहर का नज़ारा ये देखिए, हट क्या हट है, ज़बरदस्त नज़ारा। जिधर आपको नज़र जा रही होगी उधर ही वो। और आपके मन में एक विचार चल रहा होगा आखिर मैं बार बार ये वीडियो बनाता हूँ किस चीज़ से बनाता हूँ। ये मेरे पास गोप्रो है, मैं उससे यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर आप हाइट वगैरह पर आ रहे हैं तो मेरी राय ये रहेगी कि आप कोई भी कैमरा हो या आपके पास फ़ोन हो या कोई भी हो वो वाटरप्रूफ होना ज़रूरी है, क्योंकि स्नो गिरती है तो उससे फिर हमारे फ़ोन में पानी वगैरह जाने का खतरा रहता है। अब ये देखिए ये भाई साहब कैसे आ रहे हैं पैदल चलते हुए। ये ज़िंदगी देखो, ये क्या कितनी कठिन ज़िंदगी जीते हैं कि बारिश में भी वो सॉरी स्नोफॉल में भी ज़िंदगी के मज़े। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे सब्जी से काम चलने वाला नहीं है, अगर आप सब्जी से काम चलाएंगे तो लुढ़क जाएंगे। अपना खाना साथ लाएं और सिलेंडर लाना ना भूलें। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम पहलगाम में हैं और ये हमारे सर को देखो, ये तो बर्फ से ढकने वाले हैं और यहाँ पर जो स्नोफॉल हो रही है ये भी आपको नजर आ रही होगी। मैं कैमरा इसीलिए चारों तरफ घुमा रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ सड़क की क्या कंडीशन है, मैं आपको सड़क की कंडीशन भी दिखाऊंगा। हमारे अलावा टेम्परेचर -15 और ऊपर से ये स्नोफॉल जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे वो आखिर हमें मिल गई है। हाँ जी, ये देखिए क्या नजारा है यहाँ का। ये हमारा होटल है, देखिए इस होटल में हमने ठहरे थे और इसी होटल में हम ठहरे थे। होटल का नाम आपको दिख भी रहा होगा, अगर आप आए तो जरूर यहाँ पर विजिट करें। ये देखिए, और ये होटल के बाहर आके हमारी गाड़ी खड़ी है, देखिए उस पर भी कितनी बर्फ जमी हुई है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा पीछे माहौल क्या चल रहा है, और माहौल के साथ साथ जैसे कि आप चारों तरफ देख रहे होंगे स्नोफॉल देखने के लिए। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता भी बिल्कुल एकदम जबरदस्त, ये देखिए ये रास्ता भी बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त है। और मैं नीचे साइड में चल रहा हूँ तो मेरे शूज़ के पास भी बर्फ स्नोफॉल से, और उधर आप देख रहे हैं चारों तरफ आपको स्नोफॉल मिलेगी। ये इतनी ज़बरदस्त है कि इस टाइम पर आंखें भी नहीं खुल रही। और मेरे पीछे जैसे ये गाड़ियाँ जा रही हैं वो गाड़ियाँ भी देख रहे होंगे स्नोफॉल से ढकी हुई है। और आगे के जो हालात हैं यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ, आगे के जो हालात हैं वो देख रहे हैं आप के चारों तरफ स्नोफॉल। ये पेड़ों के हालात देख लीजिए, ये क्या पेड़ों के हालात हैं। और ये मिस्टर रोहित है जो कि बर्फ से पूरे ढक चुके हैं। और ये मिस्टर मुकेश सैनी है आजादपुर से, ये भी। और ये देखिए कैसे जवानी में अपने बर्फ का लुफ्त उठा रहे हैं अपने शूज से जो कि इन्होंने इम्पोर्टेड शूज़ हैं, इनके वहाँ से इन्होंने इम्पोर्ट कराए थे। ये फुल अपनी जवानी का मौज यहाँ पर ले रहे हैं। इनका आज़ादपुर मंडी में काम है, मगर इन्होंने सोचा कि चलो जवानी के कुछ दिन निकाले जाएं, 10 दिन जो कि पहाड़ों पर बिताए जाएं। आपको हालात नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ, जो भी हालात है मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये बर्फ़ की जो हाइट है आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इस टाइम में नीचे ही खड़ा हूँ, और नीचे खड़े होने के साथ साथ जैसे कि आप बर्फ़ की हाइट देख रहे हैं वो आपको दिख ही रही होगी कितनी हाइट है। जैसे कि आप देख रहे हैं हम इसी गाड़ी से आए थे, आपको इसी से अंदाजा लग रहा होगा। रात को हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, मॉर्निंग में आते आते स्नोफॉल की ज़्यादा होने लग गई है। और गाड़ी आप देख रहे होंगे ये हमारी वही गाड़ी है जो कि मैं पिछली बार ओली लेके गया था, ये आपको नंबर प्लेट से दिख गया होगा। और गाड़ी के साइड में जो हाइट देख रहे हैं आप, कितनी हाइट तक ये बर्फ़ गई हुई है। और हर गाड़ी का नज़ारा यहाँ पर यही है लगभग देखने में। ये सामने वाला आप होटल भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी इस टाइम चहल पहल कम है। अब हम यहाँ से नीचे निकलते हुए जो आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में जो दरगाह थी उसी दरगाह पे हम होते हुए नीचे निकलेंगे पटनी टॉप के लिए, और पटनी टॉप होते हुए सीधे निकलेंगे दिल्ली के लिए। और ये जो मेरे दोस्त हैं ये आगे आगे चल रहे हैं गाड़ी के पास पहुंचने वाले। और सीन्स तो आपने देख ही लिए कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ का जो मज़ा है बिल्कुल अपना अलग ही मज़ा है। और मेरे हिसाब से अगर आपको मज़े उठाने तो ऑफ सीज़न में आना चाहिए, ना कि गर्मी में आना चाहिए। गर्मियों में आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये जो मिलेंगी ये सब सारी चीज़ें ऑफ सीज़न में ही मिल पाएंगी आपको। भाई अभी तक आपने देखा होगा वाइपर से सिर्फ बारिश का पानी साफ़ करते हुए या वाइपर का जो खुद पानी होता है वो साफ़ करते हुए, आज मैं आपको ऐसी चीज़ साफ़ करके दिखा रहा हूँ जो कि मैं भी खुद लाइफ में फर्स्ट टाइम साफ़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं पहले आपको हल्का सा बाहर का नज़ारा कराता हूँ। ये आपको स्नोफॉल दिख रही होगी, और स्नोफॉल के साथ साथ हमारे शीशे पर भी स्नोफॉल है, इसको भी वाइपर से साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर। अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे चलते रहेंगे वैसे वैसे, और मैंने अभी वाइपर मतलब पानी की कोशिश करी कि शीशा साफ हो जाएगा, गाड़ी का पानी भी जम चुका है इस टाइम पर। चलिए आगे चलते हैं। नहीं सही कह रहे हैं। वो भी ज्यादा रोना ना वो कांगड़ी नमकीन रोटी तो धोनी पड़ेगी, 10 रुपए की मिली है, टूटी हुई स्नोफॉल, जबरदस्त नज़ारा। जिधर आपकी नज़र जा रही होगी मैं दिखा रहा हूँ आपको, उधर ही आपको बर्फ नज़र आ रही होगी। और बर्फ नज़र आने के साथ साथ गाड़ी भी खड़ी है अभी हमारी। हमने जो स्टॉप पॉइंट लिया है ये लिया है हमने कि उसके लिए चाय बनाने के लिए। हमारी उधर चाय बन रही है। एक्चुअली हमारा एक बर्तन था जिसमें चायदानी बोलते हैं जिसे, वो हमारा किसी होटल में रह गया, तो इसलिए आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कुकर के अंदर चाय बनते हुए। ये फर्स्ट टाइम है जो कुकर के अंदर चाय बन रही है। और जैसे कि ये हमारे साथ हमारे सर हैं जो कि चाय बनाने में एकदम एक्सपर्ट हैं और नंबर 1 है। कभी अगर आप आजादपुर आएँ तो इनसे ज़रूर मिलकर जाएं। आपको चारों साइड बर्फ नज़र आ रही होगी, ये देखिए। और हमारे साथी और मैं इधर का अगर आपको नज़ारा कराऊं तो ये देखिए, ये रास्ता है पैदल का जो कि बर्फ से ढक चुका है। और ऊपर के पहाड़ ये जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमारे बीच समीर भाई आपको दिखाएंगे स्नोफॉल, फ्री से स्नोफॉल होती हुई। ये पकड़ लिया है इन्होंने खेल। ओह ब्यूटीफुल लाइफ खेलते हुए बर्फ के अंदर, क्या जबरदस्त स्नोफॉल। चलिए एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा और दिखा देता हूँ। बाहर का नज़ारा है क्या, ये नज़ारा आप भी देख के हिल जाएंगे कि मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अपनी गाड़ी स्विट्जरलैंड लेकर चला गया, जिसमें कि प्लेन से जाते हैं मगर मैं कार लेकर ही वहाँ चला गया। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि नज़ारा क्या है बाहर का। ये देखिए नज़ारा, नज़ारा, जिधर आपकी आंख जाएगी उधर आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। आपको बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मक्खी जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं इस टाइम पे दरगाह पे खड़ा हूँ और ये मैं खड़ा हूँ कश्मीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। मैं इस टाइम मेन स्पॉट पर आ गया हूँ। इस पॉइंट पर मुझे भी गोल्डन टेम्पल अमृतसर। इसका टाइम आधा पूरा घंटा लग जाता है, मत्था टेकने में आधा घंटा कैसे लग जाएगा, कम से कम आधा पूरा घंटा लगेगा। आपको जब आएंगे ना फ्री हो गया आपके माइंड फ्री इनका कहलाती है 30 किलोमीटर लंबी टनल, ये जैसे देख रहे हैं आप। बस्ती के आसपास है, हमारी बस्ती नहीं है, देखो वो कितने पास है।